आज के हमारी इस क्लासेस में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई में हम बात करेंगे कैलकुलेशन की, किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ ठीक है। ओके। हम बात करें पावर बीआई में कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं पावर बीआई ओपन कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। हमारा पावर बी ओपन हो गया है, और सबसे पहले एक करते हैं, गेट डेटा में जाते हैं, फ्रॉम एक्सेल, और यहाँ हम डेस्कटॉप पे आते हैं। डेटा में तो सी डेटा, तो चलिए कोई एक डेटा ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी डेटा 1 ही ले लेता हूँ, राइट। और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लोड करता हूँ। ओके, और इसके डेटा भी जाता हूँ। तो जैसे कि कल लास्ट क्लासेस में हमें बताया था कि किस तरह से हम क्यूरी वगैरह करते हैं, सॉरी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। जैसे कि मेरे पास डेटा में पर्सन से डेटा जुड़े, मैं ए आर जन टू मैं जून का हमारा पूरा टोटल है। मुझे यहाँ पे एक टोटल एक ऐड करना है, जिसमें हम टोटल करना चाहते हैं, टोटल महीने का टोटल, यहाँ इन सबों का टोटल ऐड करना चाहते हैं, ठीक है सर। हाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडलिंग पे आएंगे और यहाँ पे न्यू कॉलम, और न्यू कॉलम में अब यहाँ पे कॉलम का नेम देता हूँ, मैं देता हूँ यहाँ पे टोटल। तो टोटल में मुझे क्या चाहिए, मैं अब यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, कि सम के फॉर्मूले में अब एक एक करके मुझे देना पड़ेगा, समझ रहे हैं सर, यहाँ पे कॉमा इस तरह से। तो सम का फॉर्मूला एक इसके लिए लगता है, एक फील्ड के लिए लगता है, जैसे मुझे टोटल जैन का टोटल चाहिए तो वहां पे लगता है। देखिए मुझे कई सारे फील्ड को ऐड करना है, तो आपको कई सारे फील्ड को इस तरह से प्लस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। जैसे कि हम पिवट टेबल में लिखते थे, और हाँ यहां पे इसको एंटर मार देता हूं। एंटर मारते हैं, देखिए टोटल आ गया, आ गया। मुझे इस पे, और जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम पे आता हूँ, मुझे इसका 2% निकालना है, जैसे कि मुझे इस पर कमीशन निकालना है, तो कमीशंस, और मैंने बोला कि टोटल टोटल का मुझे 2% निकालना है, तो 2%। देखिए एरर है, एरर क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल नहीं रहता है, तो मुझे देना पड़ेगा 0.02, मतलब कि नंबर्स को 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे और आता हूँ, मुझे जीएसटी निकालनी है, तो मैं न्यू कॉलम पे आता हूँ और यहाँ पे मैं, और फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों को टोटल कमीशन, टोटल जीएसटी में क्या करना है, टोटल का 18% निकालना है, मान लीजिए टोटल, अच्छा छूटे हो गया, टोटल वही 0.18 डालेंगे, तो 18% आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक अमाउंट का एक नया कॉलम ऐड करना है, जिसपे सबका सम होगा। तो जिससे हम पिवट टेबल में कर देते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ भी हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल प्लस कमीशन प्लस जीएसटी,
यहाँ निकल गया और ये सारी चीज मेरे यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं आराम से यहाँ पे मान लीजिए मुझे पर्सन वाइज चाहिए तो मैं नेम को यहाँ रखता हूँ और टोटल यहाँ पे अमाउंट यहाँ रख सकता हूँ, जीएसटी रख सकता हूँ। तो इस तरह से इसका हम अपना रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। ओके क्लियर सर। है? विजुलाइजेशन में करना है तो विजुलाइजेशन में डाल देते हैं, इस तरह की विजुलाइजेशन में आ जाएगा। सॉरी इसको डिलीट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। ओके तो हाँ कैलकुलेशन सर। इसलिए हम यहाँ पे करते हैं। अभी जो मैंने बताया वो बताया आपको इनबिल्ट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसका एग्जांपल है, राइट? हाँ तो अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे अगर इनबिल्ट फीचर्स लगाने हो तो मतलब कि जो फीचर्स ऑलरेडी इनबिल्ट है वो हमें लगाना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सन्स का नंबर लेना चाहता हूँ, जैसे दिख रहा है आपको 1 2 3 दिख रहा है आपको, दिख हाँ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम पे आता हूँ और यहां पे मैं करता हूं, यहां पे न्यू कॉलम और यहां पे मैं करता हूं यार नंबर। तो अब इसमें से मुझे इसका 1 2 3 लेना है, राइट? तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा राइट का, RIT राइट। राइट में मैं सिलेक्ट करूंगा नेम, नेम और इसमें मुझे इसकी कंप्लीट लेंथ, तो लेंथ हमने दिया और लेंथ पे भी हमने नेम दिया, उसमें से माइनस होना चाहिए डैश, जो डैश क्योंकि डैश के बाद होना, क्योंकि हम एक नहीं दे सकते क्योंकि इसमें नीचे दो नंबर भी है ना, तो हमें डैश के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसके लिए हमें लगाएंगे फॉर्मूला फाइंड का और यहाँ पे देंगे डैश एंड कॉमा, किसमें देना है तो हमें करना है नेम और स्टार्टिंग वन से, ठीक है? मैं यहां से एंटर मारता हूं, अब देखिए नंबर आ गए। कॉलर नेम को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ सर। विदाउट इसमें नहीं सर। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल वर्कशीट, जैसे एक्सेल में आप मल्टीपल फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे यहां भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डैक्स फंक्शन। इसमें कुछ फंक्शन ऐसे हैं कुछ ऐसे, इसे अलग अलग यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस हैं, राइट? तो इसके हेल्प पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, ये आपका इसी बोलते हैं डैक्स फंक्शन, दिख रहा है आपको? ये डैक्स फंक्शन में इस तरह से हम फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, सम का जो भी करना चाहते हैं उस चीज का, ठीक है? मैं वी लुकअप लगा रहा था, लगा नहीं इसमें। तो वी लुकअप अलग से, उसके लिए यहां पे वी लुकअप नहीं, यहां पे रिलेशनशिप चलता है सर। वी लुकअप का फॉर्मूला तो है उसमें। फॉर्मूला है लेकिन एक सेल के अंदर में एक सीट पे सर्च कर सकते हैं आप, लेकिन अलग दूसरे किसी और सीट के लिए हमें यहाँ पे रिलेशनशिप करना पड़ता है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसके फंक्शंस हैं। चलिए हम वन कैटेगरी के हिसाब से इसके फंक्शन को देखते हैं। तो अभी आपने सीखा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है, राइट? हाँ सर।
इसमें फंक्शन लिस्ट था। तो ये है शॉर्टकट से। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैंने फंक्शन लिस्ट भेजा था ना सर, हाँ तो उसी उसको आपने देखा था कि नहीं? हाँ देखा था मैंने, उसी के ऊपर से ट्राई कर रहा था, वीलुकअप नहीं लगा, बाकी तो लग रहे, समझ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी सीखेंगे तो और समझेंगे। हाँ तो क्योंकि फंक्शन का लिस्ट आपको पता होगा तभी आप उसको समझ पाएंगे ना। तो इसमें क्या हाँ उसमें आप समझिए कि एक आपका डेटा समराइजेशन, एक भी आपका एक्सेल शीट नहीं है सर, डेटा समराइजेशन, इसमें वही फॉर्मूला लगते हैं जिससे वो समरी क्रिएट कर सके, राइट? अब हाँ ठीक है लगाएंगे आप तो दूसरे, क्योंकि वीलुकअप तो शीट टू शीट लगता है या फाइल टू फाइल लगता है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। शीट टू शीट के यहाँ रिलेशनशिप दिया गया है क्योंकि वीलुकअप ऐसा ही वर्क करता है, समझे? हाँ उसके लिए उसमें और ज्यादा करने के लिए यहाँ आपके सामने होम में जाएंगे तो ये आपका ये होता है एडिट क्यूरी जो आपको देखेंगे, तो ये आपका पावर क्यूरी हो जाता है। तो ये आपका एक पूरी की पूरी एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल क्यूरी और बहुत सारी चीजों के ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है? तो इसे आपका जो एक क्यूरी विजार्ड था वो क्यूरी विजार्ड के ऊपर चलता है, क्यूरी वगैरह आराम से इस पे लिख सकते हैं। ओके okay. तो फंक्शन लिस्ट आपको मैंने भेजा था, एक मिनट मुझे भी खोलने दीजिए फंक्शन लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट का है ना आपका टेक्स्ट फंक्शन, ये यार नीचे एक लिस्ट वाला सिस्टम था ना। ये तो पावर भी आएगा था, पहले इसमें आ रहा था ना पावर, ये पहला वाला ये उसमें आता है। ये आपके फंक्शंस की कैटेगरीज हैं, राइट? तो इसी में उसका तो डैक्स लॉजिकल फंक्शंस, फंक्शन है। हाँ इसमें आप ये जो अलग अलग हमारे पास है न्यू डैक्स फंक्शंस है जो नया अपडेटेड है वो आपके सामने है, ये सब चीज़ें के बारे में भी हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन हम पहले कैटेगरी के हिसाब से चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लॉजिकल फंक्शन से, राइट? तो लॉजिकल फंक्शन में हम बात करेंगे इफ का, इफ फंक्शंस का। जैसे एक्सेल में आप इफ लगाते हैं, इसको ट्राई किया था आपने? तो हाँ किया था, हुआ था या नहीं? जैसे हाँ हुआ था ना, मान वो तो लीजिए कि एक मान लीजिए ना सिस्टम या हमारा डेटा है इसमें, तो मुझे इसमें इफ हाँ देना है, राइट? सेल्स के हमारे जो सेल्स का यहाँ टोटल कौन है कौन, इसके अकॉर्डिंग मुझे देना है। तो हमारा स्लैब है कि 100 से मतलब 0 to 100 में हमें 500 का इंसेंटिव देना है, 100 to 150 के बीच में 1000 का, 150 to 200 के बीच में आपका 1500 का, और ग्रेटर देन 200 का आपका 5000 का इसे इंसेंटिव देना है। ऐसे एक स्लैब है हमारा, राइट? तो हम यहाँ मॉडलिंग में आते हैं, न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये न्यू कॉलम, और सर ये न्यू कॉलम और न्यू मेजर क्या है, उसका डिफरेंस न्यू क्या है? मेजर्स मतलब कि एक न्यू आपने तो कॉलम जो डेटा के कॉलम अकॉर्डिंग होता है, लेकिन न्यू मेजर्स मतलब कि जैसे कुछ कैलकुलेशंस हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बनाए वहां पे कंडीशंस, मतलब कि हम डेटा में चर्चा ना करें अलग ही कर ले अपना, ठीक है? ये हम आपको आगे बताएंगे न्यू कॉलम के बाद भी ऑप्शन।
जैसे कि आपका इस पे फीचर्स होते हैं ना, मतलब कि इस पे आप आते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह का फील्ड आपको दिख रहा है ना, तो हाँ डेटा में कुछ हम चेंज ना करें और डायरेक्ट हम इसका फंक्शन बना दें डेटा से कैलकुलेट करके, ठीक है, हेड आगे के बाद। सिखाएंगे ना, आगे आगे हाँ है ना, आगे है मेरा, ठीक है तो चलिए। इसमें हम अरे इफ का कंडीशन लगाते हैं, इफ इफ में हम बोलते हैं टोटल टोटल इज लेस देन इक्वल टू 100, यहाँ पे 500 आए। फिर अगेन इफ हमने दिया कि टोटल अगर लेस देन इक्वल टू 150 है तो 1000 है। अगेन इफ लगाने की, इफ अगर टोटल लेस देन इक्वल टू 200 है तो यहाँ पे 2000 है। इफ टोटल इज ग्रेटर देन 200 तो 5000। तो जितने इफ लगे हैं उतने इफ को क्लोज कर दीजिए। इस तरह से इफ के फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल की क्लास में हम आपको ये पूरा लॉजिकल फंक्शन समझाएंगे। इसमें क्या क्या है एक बार बता देता हूँ, ये आपका एंड है, मतलब कि मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए, फॉल्स से फॉल्स देखता है, फॉल्स ट्रू छोड़ दीजिए, विकास नहीं है। इफ एरर अगर कोई एरर फॉर्मूला देता है उसके लिए है हमारा, ओके। इनका फॉर्मूला आपका होता है, इनका नया फॉर्मूला है, एक्शन में नहीं था, इनका फॉर्मूला आपका आता है, जैसे कि इनका मैंने भी देखा पहली बार। हाँ ये आपका जैसे फिल्टर सेल्स है आपका कैलकुलेटेड, आपका इंटरेस्ट टोटल सेल कॉमा प्रोडक्ट कलर इन रेड ब्लू ब्लैक, अच्छा वो कलर कर देता है सर, बताऊंगा आपको कल सर। नॉट मतलब अपोजिट करना है, ठीक है, और आपका क्या होता है जैसे कि मल्टीपल कंडीशन, लेकिन टू आपका इसमें मतलब कि ऑप्शनल होता है। स्विच क्या होता है आपका, स्विच होता है जैसे कि इफ आपने लगाया तो, जैसे अभी आपने देखा कितने सारे इफ इफ लगाना पड़े, तो आप डायरेक्ट स्विच लगा सकते थे, यहाँ पे एक्सप्रेशन हाँ या वैल्यू रिजल्ट इज वैल्यू, इस तरह से एल्स, जैसे कि यहीं पे दिखा देता हूँ, स्विच अब बता ही देता हूँ आपको, न्यू कलर मैं यहाँ पे यहीं पे दे देता हूँ, आई एल मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, स्विच स्विच दे दिया, अब एक्सप्रेशन में दे दिया टोटल, मैं रिजल्ट किस पे देना है टोटल पे देना है। अब यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, हमने बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए तो रिजल्ट 500, राइट। लेस देन इक्वल टू नहीं, इसमें नहीं है, इसमें इस तरह की कंडीशन नहीं दे सकते, इसमें ये दे सकते कि वन हो तो इस तरह से, कि अगर 100 हो तो 5 आए, ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते सर, ये इसमें नहीं कर सकते, इसमें 1000 देख के लगा कर तो देखो, कंडीशन दे नहीं रहे हैं। गया, नहीं आया ना सर, अभी एरर दे दिया ना, कंडीशन नहीं लेता है सर, स्विच का काम होता है, इफ के जगह पे स्विच का इसी काम होता है, एक्सेल में ऐसे ही वर्क करता है सर। कई सारे वैल्यू जैसे वन आए तो ये आया, जैसे ही आपका स्विच जो था ना, चूज फॉर्मूला था ना आपका एक्सेल में, कि वन आया टू थ्री सिक्वेंसली लगता था, तो ये चूज का अल्टरनेटिव था कि वन ना हो, टू हो, टू ना हो, थ्री हो, फाइव हो, सेवन हो, इस तरह से करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम बात करते हैं कल की क्लास में, ठीक ठीक है। है।